गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? सब मैं विनोद एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा ना यार, जहाँ मैं खुद गया नहीं, अभी तक तो मैं गया नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो मतलब कोटा का स्वर्ग है वो, ये मान के चलो। आज वो मौसम देखो, आज का कितना सेक्सी मौसम है यार, वहाँ का सीन तो मतलब अल्टीमेट है यार। तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, मैं जाके बताऊँगा आपको पूरा वहाँ का एरिया। मतलब मैं हिंट दे देता हूँ, मतलब भोलेनाथ का स्थान है पहला हिंट तो ये, और सेकंड हिंट ये है कि चंबल के आसपास है, चंबल नदी के आसपास है वो। अब आप लोग गेस कर सकते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये हमारा एरिया है। तो मैं हो गया हूँ आज तैयार, आज कुछ अलग ही लेवल का स्वैग है आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि वो जगह इसकी ना यार की मतलब मैं बता नहीं सकता, उसके बारे में जाके दिखाऊंगा आपको, अल्टीमेट है वो। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे वहीं पे। गाइस, ये मेरा व्लॉगिंग सेटअप तैयार है, ये ट्राइपॉड है अपना, और ये जो बोया का MM1 शॉटगन माइक है, और इसकी केबल है जो एक एंड तो इसको लगेगा माइक्रोफोन में और एक लगेगा इसमें। तो गाइस, आज प्रॉपर व्लॉग बनेगा अल्टीमेट वाला, तो लास्ट तक बने रहना।
सो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं जहां से अपन स्टार्ट किया था वहीं पहुंच चुके हैं। अपन ने व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था तो खत्म भी यहीं पे करेंगे। तो गाइस मैंने आज के व्लॉग में आपको दिखाया गरड्या महादेव, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वहां का स्थान पसंद आया होगा। गाइस वहां का व्यू आपने देखा होगा कितना शानदार है यार, मतलब मैं वेट कर रहा था कि बारिश हो और बारिश भी हुई, पूरे भीग गए, सीन अल्टीमेट था यार। देखो यहाँ पे मौसम तो है बारिश का लेकिन हमारे घर की साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो गरड्या महादेव की लोकेशन की बात करें तो गरड्या महादेव की जो लोकेशन है NH 27 है, NH 27 चित्तौड़ वाला है, जो कि अपन हैंग ब्रिज से अपने को चलना होगा 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट में एक रास्ता आएगा, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है पूरा वहाँ, तो मेन रोड से ये 5-6 किलोमीटर पड़ता है अंदर पूरा। तो अंदर जाने के बाद आपको एक चेक पोस्ट मिलेगी, तो चेक पोस्ट पे वहाँ पे आपका टिकट 105 रुपये, मैंने पहले बताया, तो अगर आप बाइक लेके जाओगे तो 70 रुपीज़ आपको बाइक के अलग से देने पड़ेंगे। अगर आप अंदर बिल्कुल अंदर मतलब जो गड्ढा महादेव वहाँ की जो चट्टाने हैं पूरी वहाँ तक अगर गाड़ी लेके जाओगे तो मोटरसाइकिल के तो 70 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप कार से जाओगे तो समथिंग 300-350 रुपये आपको कार के देने पड़ेंगे। तो बेटर यही होगा कि आप गाड़ी को बाहर ही पार कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो पुलिस चेक पोस्ट आती है वहाँ से गड्ढा महादेव की डिस्टेंस मुश्किल से 500-600 मीटर है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली वॉकिंग करते हुए भी वहाँ पे जा सकते हो। तो गाइज आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, लोकेशन को एंजॉय किया होगा। तो गाइज मैं तो ये मेरा सजेशन यही कि आप अगर कोटा आए हो तो गड्ढा महादेव जरूर जाए, क्योंकि मौसम भी अभी कितना शानदार है। वहाँ तो बारिश हुई थी लेकिन यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं है, घर पहुँच चुके हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए स्थान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।